योर ऑनर, पुलिस ने जो भी सबूत इकट्ठा किए हैं उससे सीधा इल्जाम प्रिशा खुराना पर आता है। और इल्जाम क्यों, ये तो सच है, प्रिशा खुराना ने ही सानिया का मर्डर किया है। और ये साबित करने के लिए मैं इस कटघरे में अपने पहले गवाह को बुलाना चाहती हूँ, अगर आपकी परमिशन हो तो। इजाजत है। तो जब मेरी टीम ने सानिया ठाकुर के रूम में एंटर किया, प्रिशा खुराना ऑलरेडी वहां पे थी। इनके हाथ में चाकू था और चाकू के ऊपर खून लगा था। इनफैक्ट इनके कपड़ों पे भी खून लगा था और सीसीटीवी फुटेज भी यही दिखा रहा है। तो और वो प्रिशा खुराना ही थी जो सानिया ठाकुर के रूम में 4:30 बजे गई थी और वहां पे 5 बजे तक ये वहीं पे मौजूद थी। थैंक यू सर। और 4:30 से 5 बजे के बीच ही सानिया ठाकुर की मौत हुई, ये हमारे फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट में भी हमने साफ लिखा है। तो प्रीशा मैम मुझे कॉरिडोर में मिली, उन्होंने मुझसे जिद कर सानिया मैम का दरवाजा खुलवा और फिर वो अंदर चली गई। सर उसके बाद इन्होंने दरवाजा खोला ही नहीं, हम ट्राई करते रहे, फाइनली हमने दरवाजा तोड़ा। उसके बाद मैंने देखा इनके हाथ में चाकू था और इन्होंने खुद ही कन्फेस कर रही थी कि इन्होंने सानिया ठाकुर का मर्डर किया। हम तो कुछ आर्ग्यू कर ही नहीं रहे, इतना बोल रहे हैं बोला, अब चुप बैठे हो। पर सब सच बोल रहे हैं, मैं आर्ग्यू कैसे कर सकता हूँ, और प्रिशा ने तो मैं गुनाह भी कबूल कर लिया है। इट्स अ फैक्ट। जीपीएस क्या कहे? योर ऑनर, सारे गवाहों को सुना आपने और सारे सबूत भी आपके सामने, इससे साफ साबित होता है कि प्रिशा खुराना ने ही सानिया ठाकुर का मर्डर किया। 4:30 से 5 बजे तक ये वहीं पे मौजूद थी, इनके फिंगरप्रिंट्स पूरे रूम में मौजूद थे और मर्डर वेपन भी इनके हाथ में ही था। इसके साथ साथ प्रिशा खुराना ने खुद कबूल किया है कि इन्होंने ही सानिया ठाकुर का मर्डर किया है। और इसके बाद किसी आर्ग्यूमेंट और कुछ शक की गुंजाइश ही नहीं रह जाती। मिलॉर्ड, मैं अदालत से रिक्वेस्ट करूंगी कि ज्यादा टाइम ना लेते हुए प्लीज अपना फैसला सुनाएं। अभी तक प्रोसिक्यूशन ने जो भी सबूत इस अदालत में पेश किए हैं और सभी विटनेस के गवाही सुनने के बाद ये अदालत प्रिशा खुराना को 20 साल उम्र कैद की सजा सुनाती। मैं प्रिशा को कहीं नहीं जाने दूंगा। नहीं प्रिशा, तुम कहीं नहीं जाओगी। प्यार का ये बंधन सदियों पुराना, नहीं तुमने कुछ नहीं किया, मैं जानता हूं तुमने नहीं मारा सानिया को। मैं तुम्हें जेल नहीं जाने दूंगा। एक बार पहले भी इसने किसी का झूठा इल्जाम अपने सर लिया था। देखिए इस बार नहीं, मैं अपनी कन्या को कुछ होने नहीं दूंगा। मतलब आप क्या कह रहे हैं? मैं कुछ नहीं होने दूंगा मेरी कन्या को। नहीं नहीं, मैं प्रिशा को जाने नहीं दूंगा। छोड़ी छोड़ो, मैं क्या कुछ नहीं किया है। तुम चिंता मत करो, हम प्रिशा को बेगुनाह साबित करके रहेंगे। हम इस केस को दिल्ली हाई कोर्ट लेके जाएंगे।
टेंशन मत लो, उठ उठ बेटा। रुद्र ये देख बेटा, सर के शेफ से रिक्वेस्ट करके मंगवाए, घर पे होती तो ऋषा खुद बनाती या मैं खुद बना लेती उसकी पसंद की चीजें। सॉरी माँ, आपको घर से दूर रहना पड़ रहा है मेरी वजह से, वो भी इतने दिनों से। जहाँ बच्चे वही घर, जहाँ तू और ऋषा है मेरे लिए मेरा घर वही है, और मैं यहाँ से सबके साथ ही जाऊंगी, ऋषा को लेके चलेंगे, माता रानी पर विश्वास रखो वो सब ठीक कर देंगे, हमारे साथ ले चलेंगी वो। अब तू ज्यादा सोच मत, जाके उसे खिला दे, सूरज उगने से पहले उसे खाना। मेरा आशीर्वाद देना उसे। ये सर की माँ ने भेजी है तुम्हारे लिए, करवा चौथ है ना, इसीलिए हम घर पे नहीं है। फिर भी मैंने भी माँ से यही कहा था, पर पता है उन्होंने क्या कहा? जहाँ मेरे बच्चे वही मेरा घर है ना। ऐसे तो मुझे खिलाना था, पर ये सर की तुम मुझे खिलाओ। तुम्हें क्यों? क्योंकि इस बार करवा चौथ का व्रत तुम नहीं, मैं रखूंगा तुम्हारे लिए, तुम्हारी लंबी उम्र के लिए। और इसी बहाने गर्वा माँ को बटरिंग कर दूंगा कि अगले हर जन्म में ऋषा को मेरी लाइफ पार्टनर बना लो। और मेरा क्या, मुझे भी तो प्रे करना है गर्वा माँ से, मुझे भी सिर्फ रुद्र चाहिए हर जन्म के लिए, और हम दोनों साथ मिलके व्रत करेंगे तभी तो हमारी मन्नत पूरी होगी। तो चलो एक और मन्नत मांगते हैं कि तुम इस इल्जाम से जल्दी से छूट जाओ और बहुत जल्दी घर आ जाओ। प्यार का ये बंधन सदियों पुराना, क्या अपना और क्या बेगाना, जो मन से बनाए जाते हैं वो रिश्ते रब के नवाजे होते हैं। प्यार वाले धागों से बुने ये नाते नसीब वाले ही पाते हैं। ये है चाहते, ये है चाहते इश्क वालों की, ये है चाहते है मोहब्बत, है मोहब्बत दिल वालों की, ये है चाहते। हिम्मत रखना प्रिय, मैं जानता हूँ ये कहना बहुत आसान, इतने दिन से तुम यहाँ हो इस हालत में, किसी की भी हिम्मत टूट जाएगी, लेकिन प्लीज भरोसा रखना मुझसे और अप्पा से, जो बन पड़ रहा है नाम कर रहे हैं। मेरी हिम्मत तो तुम ही से, मैं यहाँ होकर भी यहाँ नहीं, हमेशा तुम्हारे साथ रहती हूँ। तुम हिम्मत रखना, तुम जीतोगे तभी तो मैं जीतूंगी। तो बस वेट करना, बहुत जल्दी हम एक केस रिओपन करवाएंगे। चलो टाइम हो गया। हमेशा अपने आप से पहले रखूंगा, तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा।
हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, चाहे कोई भी मुश्किल हो, कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी।